वालेकुम। आज हम बनाएंगे मिनी पिज़्ज़ा। 4 कप हमने मैदा लिया है, आटा। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाला है, 2 टीस्पून हम ईस्ट डालेंगे, 2 टीस्पून ईस्ट डाला है। एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो दूध लेकर भी, गुनगुना दूध लेकर आटा गून सकते हैं। 2 टीस्पून हमने शक्कर डाली है, 2 टीस्पून नमक, मिल्क पाउडर, ईस्ट और शक्कर 1 टेबल स्पून, 2-3 टेबल स्पून ऑयल। हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है। अभी गर्म पानी से, हम गुनगुने पानी से इसको गूंद देंगे, इसका डो बनाएंगे। ये देखिए, अच्छे से हमने मिक्स किया है, नरम नरम है हमारा डो, सॉफ्ट है एकदम। इसको ऑयल लगाकर हम इसको 1 घंटे के लिए राइस होने के रखेंगे, फूलने के लिए 1 घंटे के लिए रखेंगे। ऊपर ऑयल लगाकर इसको कवर करके रखेंगे, गर्म जगह पर रख के। आप खाना बनाते हैं उधर ही चूल्हे के बाजू में रख सकते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कितना राइस हो चुका है, फूल कर कितना ऊपर आया है आटा। अच्छे से हमने आटा डश किया था उस पर, अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। प्याज है, शिमला मिर्ची है, चिकन है, ब्लैक वाले जैतून है और टमाटर है। हमने इस पिज़्ज़ा सॉस से पिज़्ज़ा सॉस हम लगाएंगे इस पर पहले, फिर ऊपर टॉपिंग डालेंगे। शिमला मिर्च डाली हमने, हमने चिकन भी लिया है, फ्राई की हुई हमारे पास चिकन थी हमने लिए है। अगर नहीं लिए तो भी चलता है, ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। प्याज, शिमला मिर्ची, टमाटर, ब्लैक वाले हमारे जैतून है ये। ऊपर हम अभी चीज़ डालेंगे, फिर और एक बार ऊपर
थोड़ी सी टॉपिंग डालेंगे चीज़ के ऊपर। सारे पिज़्ज़ा को हम ऐसे ही करते जाएंगे इसी तरीके से, ये देखिए एक हमने रेडी करके आपको दिखाया है, इसी तरीके से हम दूसरे पिज़्ज़ा पर भी करेंगे। हम फ्राई पैन में बनाएंगे, सबके पास ओवन नहीं रहता है, फ्राई पैन में बनाएंगे। हमने मीडियम एकदम स्लो फ्लेम पर फ्राई पैन को रखा है, ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, एकदम स्लो फ्लेम है। अभी हम कवर करके इसको और 2-3 मिनट रखेंगे चीज़ मेल्ट होने तक। ये देखिए चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है, पिज़्ज़ा भी अच्छे से नीचे से भी हुआ है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।